बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग एंगल की छानबीन कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 3 दिन की पूछताछ के बाद एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट ने रिया को लीगल कस्टडी में भेज दिया। मंगलवार को रिया की गिरफ्तारी के 2 दिन बाद गुरुवार को सोशल मीडिया पर 1 साल पुराना उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वह ड्रग्स की तस्करी को लेकर बात कर रही हैं। नवंबर 2019 को पोस्ट किए गए इस ट्वीट में रिया एक ऐसी भारतीय लड़की की बात कर रही है जिसने नशीले ड्रग्स की तस्करी के चलते जेल की सजा काटी थी। रिया ने लिखा था, एक भारतीय लड़की की अजीब से डरावती कहानी पड़ी जिसने ड्रग्स की तस्करी के चलते 4.5 साल जेल की सजा काट ली। सोशल मीडिया पर इस वायरल हो रहे ट्वीट को रिया की वर्तमान स्थिति से जोड़कर देखा जा रहा है। एक यूजर ने इस पर कमेंट करते हुए लिखा, नॉस्ट्रेडमस की तरह इसने भी खुद अपनी भविष्यवाणी की है। किसी और ने लिखा, किसे पता था कि रिया अपनी ही बात कर रही है। रिया को NCB ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। सुशांत की 14 जून को हुई मौत की जांच के दौरान सामने आए ड्रग एंगल में उनकी कथित भूमिका के लिए उन पर नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट के तहत आरोप लगाया गया है। नव भारत से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नित्या विश्वकर्मा, नव भारत मीडिया।